मैं डिप्रेस हूँ, ये कहना बहुत ही आसान है किसी भी इंसान के लिए आज के टाइम में। मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता अब लाइफ में क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ। बहुत आसान है ना आप सबके लिए ये बात कहना कि मैं डिप्रेशन में हूँ। कभी सोचा है इस एज तक लाने में कितने लोगों को कितनी मेहनत लगी है, कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी आपके पेरेंट्स ने आपको इस लेवल तक लाने के लिए कि आप कुछ पढ़ सको, कुछ बन सको, कुछ कर सको ज़िंदगी में, और आपने सिर्फ एक पल में कह दिया मैं डिप्रेस हूँ, मैं अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी मेहनत करी है, कितने टाइम का खाना छोड़ा है आपको पढ़ाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया है आपको ये ज़िंदगी बनाने के लिए, और आपने एक मिनट में कह दिया मैं डिप्रेस हूँ, अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये क्या तरीका है ज़िंदगी को जवाब देने का कि मैं डिप्रेस हूँ, अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर ज़िंदगी भी आपको इसी तरीके के जवाब दे, इसी तरीके के रिप्लाई करे कि अब तुम्हें ज़िंदगी से कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि तुम डिप्रेस हो, क्योंकि तुम डिप्रेशन में चले गए हो, ये डिप्रेशन आपने खुद ही पैदा करी है, खुद ही आप उसे पाल रहे हो और उसका इलाज भी आप ही के पास है, लेकिन आप उस इलाज को ढूंढ नहीं रहे हो। आप एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे एक बीमारी है और ऐसी बीमारी है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, राइट? आपने अपने आप को पूरी तरीके से इस माहौल में ढाल लिया है। लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताइए, सारे दिन टीवी पे देखते रहते हो, मूवीज़ देख रहते हो, उससे कोई डिप्रेशन नहीं होती? सारे दिन मोबाइल पे गेम खेलते रहते हो, उससे कोई डिप्रेशन नहीं होती? रील्स देखते रहते हो लेटे लेटे, उससे कोई डिप्रेशन नहीं होती है? जंक फूड खाते हो, उससे कोई डिप्रेशन नहीं होती है? वो आप उस चीज़ के लिए आपका दिमाग पूरी तरह से सही रहता है कि हाँ मुझे मूवीज़ देखनी है, मुझे गेम्स खेलने हैं, उसमें आपका दिमाग बिल्कुल सही चलता है। लेकिन कोई काम आपको बोल दो कि हाँ चलो ये कुछ मीनिंगफुल काम कर लो अपनी ज़िंदगी में, तो आपको एकदम फीलिंग आ जाती है हाँ मुझे डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन हमने खुद अपने अंदर पैदा की है, खुद अपने आप को बोल बोल के पैदा किया हमें डिप्रेशन है, अब हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में प्रॉब्लम्स किसके नहीं आती है? हर कोई आदमी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करके ही आगे बढ़ता है। अगर अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप ये बहाना बना लोगे कि मुझे डिप्रेशन है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ में, तो लाइफ वाकई आपको कुछ नहीं देगी। ज़िंदगी को जो दोगे वही लौटा के वो आपको देगी। आपने उससे जीत चुरा लिया है, बैठ गए हो आप एक बंद कमरे में, तो ज़िंदगी आपको कुछ नहीं देगी। खुल के जियोगे ना ज़िंदगी, तो अपने आप सब कुछ, ज़िंदगी भी बाहें फैला के आपको सब कुछ देगी। देखिए लाइफ में प्रॉब्लम ना सबके साथ होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। उसे उस प्रॉब्लम्स को फेस करने का तरीका आना चाहिए, ज़िंदगी को जीने का तरीका आना चाहिए। आपको क्या लगता है मैं आपके सामने बैठी हूँ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हुई होंगी? अगर मैं अपने ज़िंदगी के किस्से आपको सुना दूँगी ना, तो आप ये कहोगे कि आप जिंदा कैसे हो अभी तक? अगर मैं आपकी जगह होता या होती तो मैं तब तक मर गई होती। ऐसे भी होते हैं किस्से ज़िंदगी में। मैं बस आपको डिप्रेशन जैसी सेंसलेस बीमारी से निकालना चाहती हूँ। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन में ही नहीं है, हम इसका ट्रीटमेंट खुद भी कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव वे में ले जाकर कर सकते हैं, और ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। गजब की बात ये है, इसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, ये हम अपने आप से कर सकते हैं खुद। सिर्फ डिफरेंस कितना है, आपको अपने आप से ये बोलना है कि मुझे डिप्रेशन नहीं है। अभी आप क्या बोल रहे हो, मुझे डिप्रेशन है। अभी आपको बोलना है मुझे डिप्रेशन नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं लाइफ में जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। अच्छा चलिए मैं ना आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। देखो आप ही के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है नहीं, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, हर दिन चैलेंजेस होते हैं यार, लाइफ ऐसे थोड़ी होती है हर किसी की, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अभी रिसेंटली परसों की बात थी, तो मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो गई थी कि क्या करें, तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। और वो गजब की बात है, बहुत ही गजब की पंक्तियाँ लिखी गई हैं, और मुझे लगता है उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर आपको भी मज़ा आएगा। चलो सुनते हैं क्या क्या मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं।
कह दो खुद से मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगा। कह दो खुद से मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगा। होऊंगा एक दिन कामयाब, बता दूंगा दुनिया को मैं सही हूँ। मिट्टी में दफन कर दो उन लोगों को जिसने दी है तुम्हें ये बीमारी। सोच लो ये आसमां तुम्हारा है, इस आसमां के परिंदे तुम हो, इस आसमां को चहकाना तुम्हें है। तुम ही हो इस आसमां के सितारे, तुम ही हो इस आसमां के सूरज की किरण। कह दो खुद से ये आसमां मेरा है और इस आसमां का परिंदा मैं हूं। भूल जाओ उस वक्त को जो गुजर रहा है, जो गुजर गया है उसे गुजरने दो। आने वाले पल का जश्न मनाओ। तैयार है जिंदगी तुम्हें अपनाने के लिए, तुम ही हो जिसने मुंह चुराया हुआ है। ये पंक्तियाँ मैंने लिखी है और फर्स्ट टाइम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है लिखकर। मतलब मैं कोई शायर नहीं हूँ, कोई राइटर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, आपके जैसी नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन कभी कभी जब हम खुद को ही ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेते हैं तो एक कॉपी पेन उठा के लिख ही लेना चाहिए, कुछ अच्छी सी पंक्तियाँ बन ही जाती हैं, राइट? तो देखो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे निकाला, एक पेन लिया, एक कॉपी लिया, उस पर लिखा, खुद को ही मोटिवेट किया और खुद ही मैं अपने आप को मोटिवेट करके निकल गई ना। आप भी ऐसा कर सकते हो, बहुत इजी है, एक पेन उठाओ और लिखो अपने बारे में कुछ भी। अच्छा चलो, आप कह रहे हो आपको डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है, मुझे ना आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा फील होता है, कैसे डिप्रेशन है, किसकी वजह से है, किसी इंसान की वजह से है, प्रॉब्लम क्या है। मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगी। लेकिन आप मुझे अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताएंगे और मैं उसका जेन्युइन प्रैक्टिकली जो हो सकता है ना मैं वही बताऊंगी। मैं कोई मेडिसिन आपको नहीं बताने वाली हूँ, मैं कोई आपको ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल हम सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर चलेंगे। और हाँ, जो मैंने पंक्तियाँ लिखी है ना, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको। देखो फर्स्ट टाइम लिखी है, कुछ कॉम्प्लीमेंट तो बनता है ना, तो कुछ कॉम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके कॉम्प्लीमेंट्स का। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और खुद से एक चीज़ ज़रूर बोलनी है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं बिल्कुल हस्ट पोस्ट हूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करूँगा, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और मुझे बहुत कुछ करना है, राइट? थैंक यू सो मच, बाय बाय।